पांचवी बार सचिन का बच्चा नहीं है, वो एपी सर का है। और एक इंसानियत के नाते उठानी भी चाहिए सभी ने, ये ना देखे कि भाई हैदर जो है पाकिस्तान का है, उस हैदर भी जो है यानी काफी परेशान है अपने बच्चों को लेकर। जैसे कि हैदर इंडिया में आए तो यहाँ की जो जनता है, आप इंटरव्यू भी देखते हैं बहुत से चैनलों पर चलते हैं, यानी हैदर को सपोर्ट करेंगे, इस तरह की बातें चल रही, तो आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे यही कि हैदर भाई का सपोर्ट, वैसे 100 में से 95% हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका बच्चा मिल जाए, उनका गलती कोई नहीं है। और अगर जब हैदर भाई रोते हैं तो कोई भी इंसान नम हो जाता है, उनके भी आंख में आंसू आ जाता है। वो ऐसे कोई भी नहीं है कि हमारी अपने उनका बच्चा का नाम है फरहान खान, तो बोले फरहान खान आपकी हमको बहुत याद आती है यार, आप जो है यहाँ से चले गए और फिर हम कैसे आए, सीमा ने हमारे साथ विश्वासघात किया, ऐसा ऐसा बोल के हैदर ने बहुत रोया है। बोले हम आतंकवादी नहीं है, हम भी इंडिया को समझते हैं और हम भी इंडियन, वो पाकिस्तानी का नाम नहीं लिए, ये नहीं बोले कि हम पाकिस्तान से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान से अगर हैदर भाई अगर हमारे हिंदुस्तान में आते हैं तो उनका वेलकम है। और हम यहाँ के अपने सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि वो जो है सपोर्ट करें, उनका बच्चा दिला दे और उनको जो है न्याय दें, क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। सिर्फ इतना ही कि उनका बच्चा लेके आई है, उनसे बिना तलाक लिए हुए उनको छोड़ी है, कि उनका बहुत सारा नुकसान भी करके आई है, उनका कमाई धमाई सारा वो बर्बाद करके आई है, हर तरफ से वो बर्बाद कर दी, बेइज्जती ऊपर से कराई है। नहीं, उसकी तो जिंदगी जो है खराब होगी, जिंदगी उजाड़ दी इसने। जी चांदनी जी, एक सवाल हो रहा है, आपने जो है यानी एपी सिंह जी जो वकील है यानी सीमा के, उनका इंटरव्यू लिया आपने, तो उनसे क्या बातचीत हुई आपकी यानी इस केस को लेकर? उनसे बातचीत ये हुआ है कि हम बोले कि सर आपके जो है पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दोनों तरफ में आपके ऊपर पब्लिक मीडिया सब लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप पे लाछन लगा रहे हैं, और इस आपका ऐसा क्या मीडिया में दिख गया है जो पब्लिक प्लेस में दिख गया जो आपके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है? तो वो तो काम है, हाँ, सब पैसा कमाने का, सब लोग कमा रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि सर आप जो है सीमा का हाथ पकड़ते हुए आपने जीने से उतरा है, तो बोले कि हम बोले कि आप वहां से उतरे हैं, उसी पे भी टिप्पणी होना शुरू हो गया। तो वो बोले कि वहां पे मीडिया थी, बहुत सारे लोग थे, किसका हाथ किस में था, किसका हाथ क्या कर रहा था वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो है वहां पब्लिक थी, मीडिया थे, बहुत सारे लोग थे। फिर हमने उनसे पूछा कि सर आपके दिमाग में ऐसा कौन सा बात आ गया जो आप पाकिस्तान का नारा लगवा दिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद? बोले कि नहीं, हमने नहीं लगाया। जिसके दिल पे चोट लगी है और जिसको तकलीफ है, जो जो औरत सहमी हुई है, वहां से डरी हुई थी, वो औरत के मुंह से निकल गया। वो क्यों निकल गया वो जाने, इसके बारे में हम नहीं जानते क्योंकि हमने नहीं लगवाया। हम बोले सीमा बोली है, बहुत लोग बोलते हैं कि आपने ही नारा लगवाया है। हम बोले कि इसमें आप क्या सोच कर आप नारा लगवा दिए हैं? तो बोला कि नहीं, हम नहीं बोले हैं। तो हम ये बोले कि सर जो है जो सचिन का ये भी आरोप लगता है आप पे कि सचिन का बच्चा नहीं है सीमा जो भी पांचवी बार प्रेग्नेंट है, तो सीमा जो है पांचवी बार सचिन का बच्चा नहीं है, वो एपी सर का है, और क्या सर ऐसा जो लांछन लगाया जा रहा है, क्या सर उसके बारे में आप थोड़ा बताइए? तो बोले किसका बच्चा क्या है क्या नहीं, वो हर बात पे जवाब दिए कि ये सबको बारे में हमको नहीं पता है किसके बारे में क्या है। चलो बहुत अच्छा, असल में एक प्रॉब्लम और भी तो है ना, एक सवाल तो ऐसे भी तो बना है ना एपी सिंह पे, जैसे कि इल्जाम तो लग रहे, जो आरोप लग रहे, एक बात खुद ही बताओ जो है आप, यानी वो अपनी बहन से, यानी जो कोई बंदा है ऐसा, यानी मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, किसी भी समाज में, कि अपनी बहन से ये बोलेगा कि देसी घी है इसे इधर डाल लो उधर डाल लो, इस्तेमाल कर लो, ये कर लो वो कर लो, खुद ही बताओ आप। अच्छा भाई, वो शाम को हमसे बोले हैं सीमा से इंटरव्यू कराने के लिए, तो हम इनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आप कौन सी बात पे आप सीमा को घी और ये बता दिए, चाहे दाल में डाल लो चाहे रोटी में लगा के खा लो, आपने कौन से मकसद से या कौन से अपने सोच से उनसे उनको घी कहा है?
उनके बारे में आपका क्या सोच है? तो आपके ऊपर भी इस पे भी आपका बहुत बहुत बड़ी बात बन गई है। ये सवाल हम जरूर एपीसी पूछेंगे आज, क्योंकि नहीं, वो जो है इतना से बात करने के लिए हमसे शाम को बोले हैं। चलो पूछना उनसे सवाल, लेकिन आप भी तो बताओ ना, ऐसा थोड़ा होता है कोई बहन से अपनी बहन से बोल सकता है ऐसा? सर क्यों बोल दिए, क्या बोल दिए, देसी घी है, उनका मतलब क्या था? क्योंकि देसी घी, मैं मतलब देसी घी का मतलब हमारे सोच से तो ये होता है कि वो ये सोच के बोले कि देसी घी है, किसी हर कोई जो है अपने चैनल पे यूज कर रहा है, हर कोई कुछ भी लगा रहा है, क्या सोच के ये बोले हैं, या ये सोच के बोले हैं कि देसी घी ये है कोई भी खा सकता है, मतलब क्योंकि उसके ऊपर वो गलत औरत है, पाकिस्तान में गलत काम की है, क्या पता इसकी वजह से बोले हैं कि उसके साथ कोई कुछ भी करो, वो देसी घी है, कहीं भी वो पिघल क्या है, हो सकता है कि इन दो में रीजन से एक रीजन जरूर है। लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, आपने काफी अच्छे जो है यानी जवाब दिया, लास्ट ये होगा, आप गुलाम हैदर को क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर रहती हैं चांदनी जी, और आप जो है यानी उसके बच्चों को लेकर आप भी जो है आवाज उठा रही कि उसे बच्चे मिलने चाहिए, और एक इंसानियत के नाते उठाने भी चाहिए सभी ने। ये ना देखे कि भाई हैदर जो है पाकिस्तान का है, उससे कोई मतलब नहीं, वो कहीं का भी है ठीक है, या वो हिंदू है या मुस्लिम है, मतलब एक बच्चों के लिए इंसानियत के नाते, तो आप क्या कहना चाहोगे? हम देखिए, हमको ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है, क्योंकि काटो तो आप निकलेगा, काटे हुए तो हमें भी खून निकलेगा, आप भी दाना खाते हैं, हम भी दाना खाते हैं, बिल्कुल, देश चाहे तो अलग हो, हम लोग दूर रहते हैं, लेकिन रही बात की जो है तकलीफ, सबकी तकलीफ एक ही होती है, चाहे वो आपको या हम में हो, तो अगर यही तकलीफ हमको भी होती तो क्या हम नहीं समझते? हम समझते हैं हैदर भाई को, हम चाहते हैं कि उनका बच्चा मिल जाए, उनको इंसाफ मिल जाए, उनकी बीबी जो उनकी दगाबाजी दगारी गद्दारी की है उनको जो है ले उनकी बीबी को, और हम ये नहीं चाहते हैं कि सीमा और सचिन के साथ अपना जीवन यापन करें, हम नहीं चाहते, क्योंकि वो एक पति को जब धोखा दे सकती हैं, क्योंकि शादी इंसान हैदर थे, उनने हैदर की बीबी को तलाक दिलवाया था जबरदस्ती, क्योंकि सीमा जानती थी कि शादी हो चुकी है, तो उसको बीच में घुसने की कौन सी जरूरत थी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नहीं ऐसा, जी जी बिल्कुल ऐसा भी है चांदनी जी, देखो वो जो है ना हैदर से पहले भी जो है वो किसी की बीवी थी, उसके बाद हैदर की बीवी बनी, फिर जो है उसने हैदर को भी छोड़ दिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, तो वो जो है किसी की नहीं हो पाई, यानी एक ना ही तो वो माँ अच्छी बन पाई, और ना ही वो बीवी अच्छी बन पाई, ना ही वो बेटी अच्छी बन पाई, तो वो हमारे देश की और हमारी क्या होगी? डीएनए टेस्ट किस चीज का होता है? डीएनए टेस्ट सिर्फ एक चीज का होता है, जिसके हमको अगर हमको नहीं पता है हमारे बच्चे का बाप कौन है, और हम अगर जैसे सीमा एक एक इंसान के साथ वो रहती नहीं थी, उसका हमेशा अलग अलग चार बच्चा, उसका चार बाप है, क्योंकि सीमा को पता है कि सीमा के बच्चे का बाप कौन है, इसलिए वो आते वक्त उसने अपने बच्चे का डीएनए कराया था, क्यों कराया था, और उसको खुद ही नहीं पता है कि हमारे बच्चे का बाप कौन है। अच्छा डीएनए कराया था उसने खुद आने से पहले? जी आने से पहले सीमा ने डीएनए कराया था, और सीमा को इसलिए कराया था कि उसको खुद नहीं पता है कि हमारे इस बच्चे का बाप कौन है, इसलिए वो कराई। ये बात तो आप अरशद भाई से पूछ सकते हैं, और मुस्कान से भी पूछ सकते हैं, इंडिया वालों से जो है सच टीवी या कोई भी जितनी भी मीडिया वाले पे जो काम करे, आप किसी से पूछेंगे बताएगा, क्योंकि उसने डीएनए टेस्ट कराया था आने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, चांदनी दामनी यानी इसी केस पर जो है टॉपिक पर वीडियो बनाती है, और वो इंटरव्यू लेती है, अच्छे अच्छे एपी सिंह का इंटरव्यू भी लिया है, और काफी लोगों के लिए सीमा का भी जो है इंटरव्यू लेंगी है, तो आप इन्हें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी जी, थैंक यू सो मच, आपने जानकारी दी, शुक्रिया।